हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुक विद पैशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्वीट कॉर्न सूप की रेसिपी लेके आई हूँ। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ ऐसी अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल कुक विद पैशन को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों, स्वीट कॉर्न सूप के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप बॉयल्ड जो कॉर्न है उसको हम इसमें डाल करके मिक्सर में थोड़े पानी के साथ इसकी एक महीन पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल एक फ़ाइन पेस्ट कॉर्न की तैयार है। इसको अभी हम साइड करके बाकी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हम दोस्तों थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे। बटरी फ्लेवर के लिए हम इसमें बटर ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। इसमें एक चम्मच हम अदरक और लहसुन ऐड करेंगे, जो बिल्कुल मैंने महीन बारीक काट करके रखी हुई है। तो बटर जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होगा, हम अदरक और लहसुन को इसमें डाल देंगे। इससे दोस्तों हमारा जो सूप है बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा। आप चाहें तो अदरक और लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अदरक और लहसुन को दोस्तों हम एक मिनट तक भूनेंगे, ताकि इनका जो कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए। तो लगभग दोस्तों एक मिनट हो गया है और इनका जो कच्चापन है वो निकल चुका है। तो अब हम इसमें कटी हुई गाजर और थोड़ी सी हमने उबली हुई इसमें स्वीट कॉर्न और थोड़ी सी हमने इसमें जो है बीन्स कटी हुई ऐड कर ली हैं। आप अपनी चॉइस की ये सब्ज़ी इसमें और ऐड कर सकते हो। और हम इनको 5 मिनट तक सौते करेंगे, जब तक कि ये सब्ज़ियाँ थोड़ी सी इसमें गल जाएंगी। तो 5 मिनट तक इसको मैंने इसमें सौते कर लिया है। अब इसमें हम दोस्तों 1 लीटर तक पानी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर दोस्तों हम जो कॉर्न की हमने सबसे पहले पेस्ट बना कर के तैयार करी थी, वो इस पेस्ट को इसमें हम ऐड कर देंगे। इससे आप देखेंगे कि सूप का जो वो कलर है बहुत ही उभर करके आएगा। और इन सब चीज़ों को दोस्तों हम इसमें पकाएंगे अब अच्छे से। तो इस स्टेज पर दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटा चम्मच नमक इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ साथ थोड़ी सी दोस्तों हम इसमें काली मिर्च कुटी हुई ऐड करेंगे। आप चाहे तो वाइट पेपर भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। और दोस्तों अब हम इसको ढक करके 5 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो सब्जियां हैं वो थोड़ी सी पक जाए। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जियां थोड़ी सी पक चुकी हैं और जो सूप की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पहले से गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम दोस्तों इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सी और गाढ़ी करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड करेंगे। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को हम रूम टेम्परेचर पानी में मिक्स करके अच्छे से इसका एक घोल बना करके धीरे धीरे इस सूप में ऐड करेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे, ताकि जो सूप्स में जो कॉर्नफ्लावर के हैं वो लम्स ना बने। तो धीरे धीरे से हम इसको ऐड करेंगे और साथ साथ इसको हम मिक्स करते जाएंगे। आप अपने हिसाब से इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको एडजस्ट कर लें। जैसे ही दोस्तों इसमें एक बॉयल आएगा तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी हो जाएगी। इस दौरान दोस्तों हम इसमें 1 चम्मच वाइट विनेगर यानी कि सिरका भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सिरके से भी दोस्तों इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो 1 चम्मच मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया है। अब दोस्तों हम इसको 1-2 बॉयल आने तक पकाएंगे। हमारा दोस्तों जो सूप है वो बनने के लिए बिल्कुल अब लगभग तैयार है। तो 1 मिनट हम इसको बॉयल करेंगे, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एडजस्ट हो सके, इसमें जो कॉर्नफ्लावर की है वो थिकनेस आ जाए। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि बॉयल आ चुका है और सूप जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो देखिए, जो हमारा कॉर्न सूप है वो बहुत अच्छे से पक चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। जितना गाढ़ा हमें सूप चाहिए उतना गाढ़ा सूप हमारा तैयार है। तो अभी हम इसको सर्व करेंगे दोस्तों। आप चाहें तो इस सूप के ऊपर दोस्तों ग्रीन शैलट्स यानी कि हरे प्याज भी ऐड कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए, या फिर हरे धनिए से आप इसको गार्निश करें, जैसे भी आपको पसंद हो।
तो यहाँ पर मैंने दोस्तों हरे धनिए से इस सूप को गार्निश करा है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आज की मेरी ये सूप की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।